हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम जलेबी बनाने जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री लगने वाली है। तो आप सामने देख सकते हैं, ऊपर ये दो कटोरियों में ही मैंने चीनी लिया है। हमें दो कटोरी चीनी चाहिए चाशनी बनाने के लिए। और ये एक कटोरी मैदा है मेरे पास, और ये एक कटोरी दही है इसके बगल में। ये छोटी कटोरी में अरारोट का आटा है, और फूड कलर चाहिए, और थोड़ी सी तीन चार छोटी इलायची चाहिए। तलने के लिए हमें तेल चाहिए। ये देखिए, मैंने बर्तन में पानी डाल दिया है 1 गिलास। बर्तन को गैस पर चढ़ा दिया है चाशनी बनाने के लिए। अब ये देखिए, इसमें मैं 2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। चीनी डाल दी है मैंने 2 कटोरी। अब हमें चीनी को घोलना है, अच्छे से घुल जाए। पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा तो चीनी अपने आप ही इसमें घुलने लग जाएगी। आपको इसको थोड़ा चम्मच या स्पून लेके कोई इसको चलाते रहना है, और इस तरीके से चीनी को घोल देना है इसके अंदर। तो ये देखिए, पानी किनारे किनारे से गर्म होना देखिए शुरू हो गया है, और चीनी आधी घुल चुकी है, आधी और घुलनी बाकी है। तो हमें इसे खूब अच्छी तरीके से उबाल उबाल के पकाना है। ये देखिए, मैं इसमें छोटी इलायची भी इसी टाइम डाल दे रही हूँ, ताकि इसका फ्लेवर और इसकी जो स्मेल है, खुशबू, ये इस हमारी चाशनी में आ जाए। इसका स्वाद और खुशबू दोनों इस चाशनी में हमारे अच्छे से आ जाए। उबल उबल के इसी पानी में पक जाएगी ये हमारी इलायची। और ये देखिए, मैं इसको खूब अच्छे से उबाल उबाल के इस तरह से चलाते हुए पकाऊंगी पानी को। हमें चाशनी को तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी गाढ़ी सी होके स्टिकी स्टिकी ना हो जाए। स्टिकी मीन्स आप हाथ में उसको लेके देखें तो चिपचिप सी लगे, जैसे बाहर की जलेबी की चाशनी होती है थोड़ी चिपचिपी सी। और उस तरीके से हमें लेके, मैं आगे बताऊंगी कि आपको इसको कैसे चेक करना है। तो ये देखिए, खूब अच्छे से मैं इसको पका रही हूँ ताकि इसका पानी सारा पक जाए और थोड़ी चाशनी गाढ़ी हो जाए। बहुत गाढ़ी भी नहीं करनी है, वरना ये एकदम जमने जैसी हो जाएगी, फिर वो एकदम टाइट हो जाएगा चाशनी। ये देखिए, इस तरह से हाथ में आप लेके देखेंगे तो ये चिपचिप सी करेगी, जैसे होती है जलेबी की चाशनी, थोड़ी चिपचिपी सी इस टाइप की हो जाएगी। तो देखिए, हमारा चाशनी हो गया था, मैंने उतार लिया है। अब मैं घोल बनाने जा रही हूँ इसका, जलेबी का जो बैटर होता है। तो बैटर बनाने के लिए मैंने लिया 1 कटोरी मैदा, उसमें लिया है 2 चम्मच बड़े चम्मच से अरारोट का आटा। अरारोट का आटा, उसको कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं, अरारोट का आटा भी बोल सकते हैं। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा फूड कलर, रेड वाला, जो ऑरेंज कलर टाइप में देता है, पानी डालने पे थोड़ा ऑरेंज जैसा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं फूड कलर डाल रही हूँ इसमें, जो जलेबी का असली कलर होता है वो इसी से आता है। और बहुत जगह पे कलर वाली जलेबी मिलती है, बहुत जगह यूपी साइड में तो बिना कलर की ही सिंपल जलेबी रहती है, तो मैं कलर वाली बना रही हूँ। इसमें देखिए, ये मैं दही मिला रही हूँ, दही हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे इसमें। ये देखिए, इसमें दही मिला के हमको इसको घोल देना है, मतलब इसमें मिलाना है सारा बैटर के अंदर। अब इसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसमें थोड़ा पानी भी मिलाऊँगी, ताकि ये एकदम उस कंसिस्टेंसी में पहुँचे जैसी जलेबी का बैटर होता है। तो ये देखिए, मैंने ये पानी मिला दिया है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, ताकि आपको पता लगता रहेगा कि आपको कितना डालना है। इस तरीके से आपको इसको अच्छे से हाथ से फेंटना है, खूब अच्छे से फेंटना है, ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियाँ बनी हैं वो गुठलियाँ एक भी ना रहें। और खूब अच्छे से इसको मैश करते हुए खूब इसको फेंटते रहना है। आप जलेबी के बैटर को जितना अच्छा, जितनी देर तक फेंटेंगे, उतना अच्छा इसका वो स्मूथ बैटर बनेगा, और उतनी अच्छी आपकी जलेबियाँ फूलेंगी। तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा मेहनत तो लगता है इसमें, 2-4 मिनट लगेंगे आपको फेंटने में, बट क्या कहते हैं, थोड़ा अच्छी चीज़ बनाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ये देखिए, अच्छे से मैं इसको फेंट रही हूँ, ताकि जो आटे का एक एक कण है वो फूल जाए, और जलेबियाँ हमारी अच्छी कुरकुरी बने, और एकदम बाजार जैसी, हलवाई जैसी बने, एकदम कुरकुरी सी फूली हुई। ये देखिए, बैटर को इस तरीके से रखना आपको, ऐसे गिराएंगे तो आप इस तरीके से गिरना चाहिए ऊपर से। और ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसको रख दूंगी साइड में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि अच्छे से फूल जाए। तो इसको 10 मिनट के लिए मैं किनारे रख दूँगी, और तब तक हम अपना अगला काम कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा क्रीमी क्रीमी एकदम बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा दिख रहा है, स्मूथ बैटर एकदम तैयार हुआ है। तो अभी इसको चलिए साइड में कर देते हैं और अगला काम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये मैं पाइपिंग बैग बना रही हूँ जिसपे हम जलेबी भर के बनाएंगे। तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो ठीक है, नहीं तो आप घर पे इस तरह से दूध या छाछ की जो थैली आती है उससे भी बना सकते हैं। नीचे से इसको एक तरफ से जहाँ से बंद है वहाँ से थोड़ा सा काट लीजिए जलेबी गिराने के लिए, और ऊपर से यहाँ से मैंने इसको पूरा ऊपर से खोल लिया ताकि मैं यहाँ से बैटर भर सके। और एक रबर बैंड है मेरे पास, इससे हम इस तरीके से इसको भरने के बाद में ऊपर से बांध देंगे ताकि हमारा बैटर बाहर ना निकले। तो ये देखिए सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट थोड़ा सा 2 चुटकी मीठा सोडा, ये हमारी जलेबी को फुलाएगा, तो इसलिए मीठा सोडा अब बनाने, जब आप जलेबी बनाने वाले हैं उससे ठीक 2-4 मिनट पहले आप इसको डालेंगे। ये देखिए अब इसको अच्छे से फेंटना है, खूब अच्छे से फेंटना है इसको, एक ही दिशा में चम्मच लेके खूब घुमाते हुए अच्छे से आप इसको मिला देंगे ताकि ये सारे बैटर में अच्छे से मिल जाए। ये देखिए मैं इसको कितने अच्छे से फेंट रही हूँ। अब आप देखेंगे कि हमारे बैटर में जो थोड़े से बुलबुले से बनने लग गए हैं, थोड़ा ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा बैटर हो गया है, हल्का सा महसूस होने लगे आपको, इसमें बबल्स दिखेंगे। तो इस तरीके से हमको खूब अच्छे से मिलाते हुए इसको फेंट लेना है और फिर इसको हम भरेंगे। ये देखिए मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। जलेबी के लिए आपको ऐसा बर्तन चाहिए जिसका पेंदा थोड़ा नीचे से चपटा हो। आपने हलवाई लोगों को भी देखा होगा कि उनकी कढ़ाई जो जलेबी वाली होती है वो नीचे से एकदम चपटी सी होती है, तो अच्छे उसी आप अच्छा जलेबी बना पाएंगे, गोल वाली कढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं बन पाती। तो अभी हम लोग इसमें अपने पाइपिंग बैग में या अपनी ये थैली में जो अपना बैटर है इसको भर लेंगे। तो ये देखिए मैं चम्मच की हेल्प से इसमें बैटर भर रही हूँ। अभी चम्मच से थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो इसलिए मैं थोड़ी बड़ी वो स्पैचुला या कलछी जो होती है वो लेके उससे जल्दी जल्दी भर लूँगी इसको। और ये हमारी आधा किलो की जो पन्नी होती है दूध वाली थैली वो है, तो इसमें इतना बैटर तो एक बार में आ ही जाएगा, तो हम जितना इसमें आ रहा है उतना भर लेंगे। बस ऊपर से थोड़ी सी जगह खाली रखेंगे ताकि हम इसको पकड़ के रबर बैंड लगा सकें, ऊपर से बांध सकें, इसको इतना ही खाली रखना है, बाकी आपका जितना बैटर आता है आप उतना डालें। तो फ्रेंड्स हम इसको भर के और इसको अब बनाना शुरू करेंगे अपनी जलेबी। ये देखिए तेल गरम हो गया है अच्छे से, आपको आँच तेज़ रखनी है जलेबी बनाते टाइम और तेल खूब गरम होना चाहिए तभी आपकी जलेबी अच्छी बनेगी। बाद में आप भले आँच कम कर दें। इस तरह देखिए मैं इसको थोड़ा राउंड राउंड इस तरह से गिराती जा रही हूँ और ये देखिए जलेबी हमारी फूलनी शुरू हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा स्पून से हटा के थोड़ा और आगे कर लूँगी ताकि थोड़ी जगह बन पाए और मैं दूसरा जलेबी यहाँ पे बना पाऊँ। तो इसको मैंने किनारे कर दिया और वो धीरे धीरे होती रहेगी। और ये देखिए इस तरीके से मैंने दूसरी जलेबी भी बना ली है। हम हमेशा घर में बनाते नहीं हैं इसलिए हमारा हाथ इतना परफेक्ट नहीं होता, हलवाई लोग तो हमेशा डेली बनाते हैं तो उनका हाथ एकदम परफेक्ट होता है और उनकी शेप भी परफेक्ट बनती है। ये देखिए फिर भी जैसा भी बन रहा है बहुत अच्छा ही बन रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हमने अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिया है। अब मैं इसको निकाल के चाशनी में डुबोऊंगी। इसको हमने ब्राउन कलर हल्का गोल्डन ब्राउन तक में पका लिया है, ऊपर से कुरकुरी हो जाए तब हमें इसको चिमटे की हेल्प से अच्छे से इस तरह से सेक सेक के निकाल लेना है तल के, और इसको फिर हम चाशनी में डिप कर देंगे। चिमटे से आप ये काम करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, जलेबी वाले भैया लोग भी चिमटे का यूज़ करते, देखिए आसानी से इसमें चाशनी में आपको डालने में और निकालने में अच्छा रहेगा। फिर आपका जो बाकी बचा बैटर है उसको भी हम लोग बना लेंगे जलेबी। ये देखिए इस तरीके से तेल गर्म होता है तो जलेबी डालते ही फूलने लगती है। ये देखिए मुझे जहाँ जहाँ जगह मिल रही है मैं वहाँ वहाँ इसको बना दे रही हूँ। तो ये देखिए इसको मैं पलट रही हूँ, एकदम कुरकुरी बनी है हमारी जलेबी एकदम। इसको जब आप उसको ऊपर से छुएंगे उसको थोड़ा टच करेंगे तो इसमें वो आपको फील आएगा कुरकुरापन का, मैं चिमटे से उसको करके देख रही थी। और ये देखिए अच्छे से इसको हम दोनों साइड से एकदम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक, कुरकुरा होने तक इसको अच्छे से पकाएंगे हम। जलेबी आप बनाने के बाद में आँच धीमी कर देंगे तो उससे वो धीरे धीरे धीमी आँच पर अच्छे से पकेगी।
दोनों साइड से, और अंदर से उसका मैदा पक भी जाएगा और ऊपर से भी वह अच्छी सुनहरी हो जाएगी। तब हम उसको निकाल के अपनी चाशनी में डालेंगे। तो ये देखिए, ये वाला भी तैयार हो गया है मेरा जलेबी। अब इसको चिमटे की हेल्प से पकड़ के मैं इसको भी, इसका जो एक्सेस ऑयल है उसको निकाल के, और फिर उसको मैं जो हमारी चाशनी है उसमें डिप कर दूंगी। ये देखिए कलर कितना सुंदर लग रहा है जलेबी का, ऐसे ही देख के ये डिलीशियस लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। तो ये देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए सारी जलेबियाँ ऐसे बना के हम तैयार कर लेंगे, कितनी सुंदर जलेबी। आपको अगर इस और अच्छी अच्छी वीडियोस इस तरीके से देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और खूब सारा शेयर करिए, और अपना सपोर्ट ऐसे मुझे देते रहिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।